हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वाक्य के किसी अंश के लिए हम एक शब्द का प्रयोग भी करके उस वाक्य को कह सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि कुछ ऐसे शब्द जिनके लिए हम एक शब्द कह सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को आज मैं आपको कराऊंगी। और इसे मैं आपको एक TLM पाइनएप्पल TLM के द्वारा कराऊंगी। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। ये हमारा पाइनएप्पल है और इस TLM के द्वारा मैं आपको कराती हूँ। जो कभी न मरे अमर, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो कुछ ना करता हो अकर्मण्य, जो दूसरे से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु, जो पर के अधीन हो पराधीन, जो न्याय जानता हो न्यायिक, जो उत्तर न दे सके निरुत्तर, जो कामना रहित हो निष्काम, जो तर्क योग्य हो तार्किक, जो गांव में रहता हो ग्रामीण, जो शहर में रहता हो शहरी, जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ, जिसका पार ना पाया जाए अपार, जिसे घृणा की जाए घृणित, जिसे क्षमा ना किया जाए अक्षम्य, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर, जिसे कोई चीज कोई जीत ना सके अजय, जिसे दंड का भय ना हो उदंड, तप करने वाला तपस्वी, तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में आस्था ना रखने वाला नास्तिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, एक महीने में होने वाला मासिक, एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कम बोलने वाला मितभाषी, किसी की हंसी उड़ाना उपहास, खाने योग्य पदार्थ खाद्य, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, कार्य करने वाला कार्यकर्ता, खाने की इच्छा भुभुक्षा, गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र, गिरा हुआ पतित, गृह या घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ, घृणा करने योग्य घृणास्पद। बेटा, हमने बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द किए हैं, जिन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। तो आप इन्हें याद करोगे। ये इस समय ऐसा समय चल रहा है कि आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हो, तो आप इन्हें अपने घर से ही याद करें और अपना विद्यालय का काम पूर्ण करें। ओके।